तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये छोटे से इन्वर्टर को आज हमने बनाया है और इस इन्वर्टर से कुछ आप लोगों को 100 वाट का लोड आप लोग दे सकते हैं। और इस इन्वर्टर को बनाने के लिए आप लोगों को कोई आईसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 रेजिस्टेंस और 2 MOSFET और 1 ट्रांसफार्मर से इस इन्वर्टर को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और इस इन्वर्टर पर आप लोगों को ये 23 वाट के LED में एक बार चला के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये 23 वाट के LED कितने अच्छे तरीके से ग्लो हो चुका है और इस इन्वर्टर से कितने अच्छे तरीके से ये लाइट को जल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इस पर यह लाइट जल रहा है। तो इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस इन्वर्टर को बनाते हैं। फ्रेंड्स इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा 2 N-चैनल IRF Z44N MOSFET और हमको लेना पड़ेगा 4 पीस 330 ओम रेजिस्टेंस। ये 330 ओम रेजिस्टेंस है और एक लेना पड़ेगा हमको हीट सिंक और हमको लेना पड़ेगा एक 12/12 का ट्रांसफार्मर। तो मेरे पास तो फ्रेंड्स ज़्यादा एम्पेयर का ट्रांसफार्मर नहीं है, इसलिए मैं 12/12 2 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों का जितना ज़्यादा एम्पेयर का यूज़ कीजिएगा इतना ज़्यादा आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। और फ्रेंड्स हमको लेना पड़ेगा 2 पीस ऐसे माइका पेपर जो कि दोनों MOSFET के साथ ऐसे लगेगा, क्योंकि दोनों MOSFET आपस में शॉर्ट हो सकती है, इसलिए इसको इंसुलेशन करने के लिए आप लोगों को 2 माइक्रो पेपर आप लोगों को लेना है। तो माइक्रो पेपर को आप लोगों को ऐसे लगाने हैं, लगाने के बाद आप लोगों को MOSFET को अच्छी तरीके से इस हीटिंग के ऊपर कास्ट लेना है, क्योंकि MOSFET बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, इसलिए आप लोगों को इस पर हीट कंपाउंड भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो हीट कंपाउंड नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही इसको लगा दिया और दूसरे MOSFET को भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका माइका पेपर को इसीलिए इस तरीके से लगा लेना है और लगाने के बाद आप लोगों को MOSFET को इस हीटिंग के ऊपर कास लेना है। तो आप लोगों को इस MOSFET को भी अच्छी तरीके से कास लेना है और कास लेने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को एक मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर लेने के बाद आप लोगों को मल्टीमीटर को कौन सी ऊँची बीप साउंड पर आप लोगों को ऐसे सेट कर लेना है और सेट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को एक पॉइंट आप लोगों को हीटिंग पर रखना है, एक टर्मिनल आपको हीटिंग पर रखना है और दूसरी टर्मिनल को आप लोगों को MOSFET के सारे पिन पर लगा के देखना है, क्योंकि हीटिंग के साथ जो शॉर्टिंग आएगा, शॉर्टिंग आने से फ्रेंड्स आप लोगों को ये इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए आप लोगों को, तभी ये इन्वर्टर अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो मैंने फर्स्ट MOSFET का देखा कोई शॉर्टिंग नहीं है, सेकेंड MOSFET का भी कुछ शॉर्टिंग इसमें नहीं है और आप लोगों को शॉर्टिंग होने से फ्रेंड्स आप लोगों को MOSFET ब्लास्ट हो जाएगा और इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए इस पर हीटिंग के साथ। आप लोग देख सकते हैं इसको ऐसे ही चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमको जो MOSFET है, MOSFET का जो पिन है, पिन को आप लोगों को ऐसे कुछ सोलर से आप लोगों को सोलर को लेनी है, आप लोग अच्छी तरीके से सोलर को लेनी है और सोलर करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लेना है और रेजिस्टेंस को आप लोगों को जो फर्स्ट MOSFET का गेट वाला पिन है आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, फर्स्ट MOSFET का गेट वाला पिन और सेकेंड MOSFET का ड्रेन वाला पिन आप लोगों को ऐसे कनेक्शन कर लेना है। ये तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट हो चुका है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ होने से फ्रेंड्स आप लोगों को ये इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। और एक हमको रेजिस्टेंस लेना है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा बैंड करके फर्स्ट MOSFET का जो ड्रेन वाला पॉइंट होता है, फर्स्ट MOSFET का ड्रेन वाला पॉइंट और सेकंड MOSFET का गेट वाला पॉइंट आप लोगों को ऐसे सोलर को लेनी है रेजिस्टेंस के साथ। तो फिर आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से ऐसे कनेक्शन कर लिया MOSFET का। और फ्रेंड्स दो हमको रेजिस्टेंस लेना है 330 ओम की,
इस रेजिस्टेंस को आप लोगों को सीरीज में कनेक्शन करना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कनेक्शन करना है। इस लोगों को ऐसे दोनों टर्मिनल को एक साथ ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ लेने के बाद ये सीरीज में कनेक्शन हो चुका है ये रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को आप लोगों को दोनों जो मोस्फेट है, मोस्फेट का जो गेट वाला पॉइंट होता है, दोनों मोस्फेट का गेट वाला पॉइंट पर आप लोगों को कनेक्शन करना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऐसे आप लोगों को लेना है। लेने के बाद आप लोगों को दोनों मोस्फेट का गेट वाला पॉइंट पर ऐसे सोलर कर लेना है। ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आप लोगों को सेम टू सेम कनेक्शन करना है। और बस हमको एक जम्पर वायर का टुकड़ा लेना है। और जम्पर वायर का टुकड़ा लेने के बाद आप लोगों को जो रेजिस्टेंस को हमने एक कनेक्शन किया था, सीरीज किया था, जो हमने ट्विस्टिंग किया था, इस पर एक वायर कनेक्शन करना है। और दूसरे वायर को आप लोगों को एक मोस्फेट पर जो सोर्स वाला पॉइंट है, सोर्स वाला पॉइंट पर ऐसे कनेक्शन करना है। आप लोगों को फर्स्ट मोस्फेट के साथ भी कनेक्शन करना है कर सकते हैं, और सेकंड मोस्फेट के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स हमको एक लेना पड़ेगा जम्पर वायर। और जम्पर वायर को लेने के बाद आप लोगों को दोनों मोस्फेट का जो सोर्स वाला पॉइंट होता है, सोर्स वाला पॉइंट को आप लोगों को कनेक्शन करना है। मैं आप लोग अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। ये फर्स्ट मोस्फेट का जो सोर्स वाला पॉइंट होता है, थर्ड वाला लेग, और इस मोस्फेट का थर्ड वाला लेग पर आप लोगों को कनेक्शन करना है, जो कि सोर्स वाला पॉइंट होता है। ये बस हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी ट्रांसफार्मर और मेन सप्लाई के कनेक्शन बाकी है। मैं इस कनेक्शन को आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स मेरे पास एक 12.0 ट्रांसफार्मर है, जो कि 2 एम्पीयर की है। जो ट्रांसफार्मर का एक 12 वाला पॉइंट होता है, 12 वाला पॉइंट जो फर्स्ट वाला मोस्फेट का जो ड्रेन वाला पॉइंट होता है, ड्रेन वाला पॉइंट पर लगाना है। और दूसरे 12 वाला वायर आप लोगों को दूसरे मोस्फेट का ड्रेन वाला वायर पिन पर आप लोगों को कनेक्शन करना है। ये तो मैं जो 12 और 12 का कनेक्शन हो चुका है। जो ट्रांसफार्मर का 20 वाला पॉइंट होता है, इसको आप लोगों को बैटरी पॉजिटिव आप लोगों को देना है। ये जो ब्लैक वाला वायर है, इस पर आप लोगों को बैटरी पॉजिटिव देना है। और बैटरी निगेटिव आप लोगों को कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? बैटरी निगेटिव आप लोगों को दोनों मोस्फेट का जो फ्रेंड्स सोर्स वाला पिन हमने शॉर्ट किया था एक जम्पर वायर से मदद से, इस पर आप लोगों को बैटरी का निगेटिव वायर देना है। तो मैंने निगेटिव वायर को ऐसे सोल्डर कर लेती हूँ। तो मैंने निगेटिव वायर को सोल्डर कर लिया। और ट्रांसफार्मर का 0 वाला पॉइंट हमको बैटरी पॉजिटिव में देना है, और ये वाला बैटरी निगेटिव पर देना है। तो हमारा इन्वर्टर तो कम्प्लीट हो चुका है। और ये हमारा आउटपुट वाला पॉइंट होता है, इस पर आप लोगों को 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। और इस आउटपुट पर फ्रेंड्स मैं एक होल्डर को कनेक्शन कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक होल्डर है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल होल्डर है। इस नॉर्मल होल्डर को मैं अच्छी तरीके से इस आउटपुट पर ऐसे कनेक्शन कर लिया हूँ। ये फ्रेंड्स कोई फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर कोई फेक वीडियो की नहीं बनाता हूँ। मेरे फेक वीडियो आप लोगों को खुद ट्राई करके देखना, ये रियल है या फेक है आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ये फ्रेंड्स 100% रियल इन्वर्टर है, और मैंने कनेक्शन कर लिया और इस आउटपुट के साथ। और आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा इन्वर्टर कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये 12 वोल्ट सप्लाई है, जो कि 12 वोल्ट बैटरी से आया है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ, ये 12 वोल्ट 35 HK का बैटरी से इस वायर को मैंने ऐसे लेकर आया, क्योंकि कैमरे को फिल्म में थोड़ा बैटरी को नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे जम्पर वायर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज 12.34 इस पर दिखा रहा है। और आप लोगों को जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को बैटरी का निगेटिव वाला पॉइंट पर ऐसे कनेक्शन करना है। और रेड वाला वायर आप लोगों को ट्रांसफार्मर का 0 वाला पॉइंट पर ऐसे कनेक्शन करना है। और हमारा इन्वर्टर रन हो चुका है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा, और LED भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को वोल्टेज को एक बार टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर को 600 वोल्ट AC पर सेट कर दिया, आप लोगों को देख सकते हैं मैंने 600 वोल्ट AC पर सेट कर दिया। थोड़ा एडजस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से देख सके। और
ये होल्डर के जो वायर है फ्रेंड्स, इस पर आप लोगों को वोल्टेज मिलेगा, आप लोगों को दिखेगा। इसमें 162 वोल्ट इसमें एसी कारण आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का एम्पेयर थोड़ा कम है, इसलिए इस पर आप लोगों को वोल्टेज भी कम मिल रहा है। ज़्यादा एम्पेयर ट्रांसफार्मर लेने से आप लोगों को ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। तो मेरे पास तो ज़्यादा एम्पेयर का ट्रांसफार्मर नहीं है, इसलिए मैं 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास 23 वाट का सूर्या कंपनी का LED है। इस LED को मैं आप लोगों को एक बार चला कर दिखाऊँगा। थोड़ा इसको हटा लेती हूँ और होता लेने के बाद आप लोगों को इसको मैं दिखाऊंगा। ये बस आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से फुल ब्राइटनेस के साथ ये LED चल रहा है, क्योंकि इस पर आप लोगों को 100 वाट का लोड आप लोग आराम से दे सकती है। और थोड़ा ब्लिंकिंग का नज़र आ सका है बस, क्योंकि LED थोड़ा ब्लिंकिंग कर रहा है, इसी कारण से चलने वाला LED ब्लिंकिंग आप लोगों को कैमरे में नज़र आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है, इसको भी मैं आप लोगों को चला कर दिखाऊँगा और आप लोगों को दिखेगा। ये 100 वाट का बल्ब थोड़ा डिम जल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बैटरी भी थोड़ा डिस्चार्ज है और ट्रांसफार्मर का एम्पेयर भी थोड़ा कम है, इसलिए इस LED को इतने अच्छी तरीके से ये सर्किट से नहीं चल रहा। आप लोग 5 एम्पेयर ट्रांसफार्मर जरूर यूज़ कीजिएगा, 5 एम्पेयर ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिएगा, आप लोग को बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। ये मेरे पास एक 20 वाट का LED है, आप लोग देख सकते हैं 20 वाट का LED ट्यूब है। इस ट्यूब को मैं आप लोगों को एक बार जला के दिखाऊंगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर होने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये ओरियन कंपनी का 20 वाट का LED है LED ट्यूब। मैं इस LED ट्यूब को भी अच्छी तरीके से आप लोगों को जला के दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो आउटपुट है, आउटपुट के मैं ऐसे कनेक्शन कर दिया। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को बैटरी का कनेक्शन खोल के ये कनेक्शन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झटका इसमें देता है, क्योंकि इसमें AC कारण आउटपुट होता है। इसीलिए आप लोगों को इस पर ऐसे वायर को टच डायरेक्टली नहीं करना है, आप लोगों को बैटरी का कनेक्शन खोल के ये वायर टच करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बैटरी का वायर का कनेक्शन खोल दिया, इसलिए मैं इस वायर को टच कर सकता हूँ। और इस वायर को मैं ऐसे छोड़ दिया, आप लोगों को दिखेगा ये मेरे पास पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर को मैं जब भी इसको टच करूँगा आप लोगों को दिखेगा कितना अच्छी तरीके से ये LED ट्यूब चल रहा है। मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, थोड़ा कैमरे को मैं दूर लेके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से फुल ब्राइटनेस के साथ ये LED ट्यूब चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कोई फेक वीडियो नहीं है, बस आप लोग खुद ही देख लो, ये 100% रियल वीडियो है। इस बैटरी से, इस वायर से, इससे आके इस इन्वर्टर पर इनपुट हो रहा है और इस इन्वर्टर से ये ट्यूबलाइट अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये इन्वर्टर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा मैं दूर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छी तरीके से ये इन्वर्टर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू गाइस, बाय।